होली रंगों का त्योहार है, लेकिन कुछ लोग रंग में भंग डालने की कोशिश भी करते हैं। इस बार मुरादाबाद पुलिस ने ऐसे हुड़दंगी तत्वों को काबू करने के लिए कड़ी तैयारी की है। इस बार जुम्मा और रंग एक ही दिन है, इसलिए सुरक्षा के बंदोबस्त और कड़े कर लिए गए हैं। होली जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत हर्षोल्लास का त्यौहार है। हम चाहते हैं कि हमारे जनपद वासी इसको बिल्कुल उसी स्पिरिट में मनाएं, बड़ी खुशी से मनाएं। बाकी जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे 21 थानों में लगभग 21 QRT टीमें हमने बनाई हैं। उसके अलावा ESC और जो हमें मिली है बाहर से सिविल पुलिस भी मिली है, और प्लस CAPF भी हमें मिली है। उसको हम जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे हम उसको इंश्योर कर रहे हैं कि वो वहाँ पे प्रॉपर हमारी टीमें रहें। पुलिस ने सुरक्षा का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे असामाजिक तत्वों का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इस बार हुड़दंग कर माहौल खराब करने वालों पर पुलिस, PAC और CRPF की पैनी नजर तो रहेगी ही, साथ में तीसरी आंख कहे जाने वाले CCTV कैमरों से भी शहर के हर हिस्से पर निगरानी की जाएगी। जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं उस पर CCTV कैमरास भी लगा रहे हैं। कुछ जगह हमारे CCTV कैमरास ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनको दुरुस्त किया जा रहा है, और प्लस बाकी जगह जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहां ड्रोन कैमरास का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे लोग वहां पे तैनात रहें, अमन कमेटी के लोग वहां पे तैनात रहें, सिविल डिफेंस के लोग वहां पे तैनात रहें, और हमारे सिविल पुलिस के लोग वहां पे तैनात रहें। होली जलाने की सभी संवेदनशील जगहें ड्रोन कैमरों की निगरानी में रहेंगी। मुरादाबाद के 21 स्थानों में 21 विशेष टीमों को लगाया गया है। इसके अलावा PAC और CRPF भी जिले के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी ताकि रंगों के इस खुशनुमा त्योहार पर कोई बदनुमा काला दाग न लगने पाए। सागर रस्तोगी, मुरादाबाद, जर्मन TV।